हाय फ्रेंड्स, बहुत सारी रिक्वेस्ट पे आज मैं बनाने जा रही हूँ बच्चों के टिफिन बॉक्स की इजी रेसिपीज, जिसे आप आसानी से अपने बच्चों के टिफिन बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए इसे हम कैसे बनाएं ये देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम हेल्दी ओट्स इडली बनाना स्टार्ट करते हैं। ओट्स इडली बनाने के लिए सबसे पहले हम ओट्स को ग्राइंड कर लेते हैं। इसका हमें बिल्कुल फाइन पाउडर बनाना है। ये देखिए, हमने ओट्स को बिल्कुल ग्राइंड कर लिया है और इसका पाउडर तैयार हो गया है। अब चलिए हम इसकी इडली बनाते हैं। तो इडली बनाने के लिए ओट्स के पाउडर को हम गहरे बर्तन में डालते हैं और सेम क्वांटिटी में ही आधा कप हम सूजी का भी इस्तेमाल करेंगे। और अब इसमें हम डालते हैं दही, और दही डालकर इसे हम बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। इसे अब हम 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। 15 मिनट हो गया है और इसे और भी हेल्दी बनाने के लिए इसमें हम वेजीज भी डाल देते हैं। तो हमने यहाँ पे बारीक कटे हुए बीन्स और गाजर का इस्तेमाल किया है। और फिर इसमें हम डालते हैं स्वाद अनुसार नमक, और नमक डालने के बाद इसमें हम थोड़ा सा हींग भी डाल देते हैं, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और फिर इसमें हम डालते हैं लगभग 1/4 कप पानी। तो इस तरीके से देखिए, हमारा जो घोल है बिल्कुल तैयार हो गया है। आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल मीडियम थिक घोल है। इडली बनाने के लिए अब इसमें हमें इनो डालना है, तो इनो हम सबसे लास्ट में डालेंगे। इससे पहले हम पानी को गर्म करने चढ़ा देते हैं। तो हमने पैन में लगभग 1.5 गिलास पानी लिया है और इसे हम गर्म कर लेते हैं। और हम अपने इडली मोल्ड्स को भी ऑयल से ग्रीस करके बिल्कुल तैयार कर लेते हैं, जिससे कि इडली बनने के बाद आसानी से निकल जाएगी। अब चलिए हम घोल में इनो डालते हैं। हमने यहाँ पे आधे पैकेट इनो का इस्तेमाल किया है। अच्छी तरीके से घोल के साथ मिक्स कर लेते हैं। हम तुरंत ही घोल को इडली मोल्ड्स में डालेंगे। तो लगभग हम 1 से 1.5 टेबल स्पून घोल सारे मोल्ड्स में डालते हैं। इस तरीके से हमने दोनों मोल्ड्स में इडली का घोल डाल दिया है। अब इसे हमें स्टीम करना है। तो स्टीम करने के लिए हमने इडली स्टैंड लिया है और इसमें हम दोनों मोल्ड्स को लगाते हैं। और ये देखिए, हमारा पानी भी बिल्कुल अच्छी तरीके से गर्म हो गया है। अब हम इडली स्टैंड को पैन में रखते हैं और इसे हम ढककर मीडियम फ्लेम पर रखकर लगभग 7 से 8 मिनट तक पका लेते हैं। 7 मिनट हो गया। चलिए अब हम देखते हैं कि हमारी इडली पकी है कि नहीं। ये देखिए, हमारी इडली काफ़ी फ्लफी और स्पॉन्जी दिख रही है। चलिए इसे हम चेक कर लेते हैं कि अंदर से भी पूरी तरीके से पकी है कि नहीं। तो इसके लिए हमने लिया है टूथपिक। अब हम इडली स्टैंड को पैन से बाहर निकालते हैं और इसे हम लगभग 3 से 4 मिनट तक ठंडा होने के लिए रख देते हैं, जिससे कि इडली आसानी से बाहर आ जाएगी। तो इस तरीके से हमारा हेल्दी ओट्स इडली बिल्कुल सर्व करने के लिए तैयार है। इसे आप नारियल की चटनी या हरी चटनी के संग भी सर्व कर सकते हैं, और ये बच्चों के टिफिन बॉक्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम वेज कर्ड सैंडविच बनाते हैं। वेज कर्ड सैंडविच बनाने के लिए हमने दही को इस तरीके से चलनी में 1 घंटा पहले ही रख दिया था, जिससे इसका सारा पानी निकल गया है। हंग कर्ड को हमने गहरे बर्तन में लिया है। तो सबसे पहले हम कसा हुआ खीरा डाल देते हैं, और सेम वही तरीके से हम गाजर में से भी पानी को निचोड़ कर डाल देते हैं। अब इसमें हम कटे हुए प्याज डाल देते हैं, और हमने सिर्फ फ्लेवर के लिए थोड़ा सा लहसुन डाला है। आप चाहें तो लहसुन ना भी डालें। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं और काली मिर्च पाउडर भी डाल दीजिए। सभी मसाले डालने के बाद अब इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा सैंडविच के लिए कर्ड मिक्सचर बिल्कुल तैयार है। अब चलिए हम सैंडविच बनाते हैं। तो सैंडविच बनाने के लिए हमने इस तरीके से एक ब्रेड लिया है, और इसके ऊपर अब हम कर्ड मिक्सचर फैलाएंगे, और इसे अब हम दूसरी ब्रेड से कवर कर देते हैं, और इसे बिल्कुल हल्के हाथों से दबा देते हैं। तो सेकने से पहले हम ब्रेड के दोनों तरफ बटर लगा देंगे। अब चलिए इसे हम सेकते हैं। अब पैन में एक सैंडविच रखते हैं और इसे हम बिल्कुल स्पैचुला से अच्छे से दबा कर नीचे की तरफ से सेक लेंगे। लगभग 1 से 1.5 मिनट में सैंडविच नीचे की तरफ से सिक जाता है। तो इसे अब हम पलट देते हैं और दूसरी तरफ से भी हम स्पैचुला से दबाते हुए सेक लेंगे। तो ये देखिए, हमारा सैंडविच बिल्कुल तैयार है। इसे आप धनिया की चटनी या टोमेटो केचप के संग सर्व कर सकते हैं। आज मैं बनाने जा रही हूँ सूजी वेजी बंस, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बच्चों के टिफिन बॉक्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है सूजी, और इसे अब हम डालते हैं बाउल में। और फिर हम यहाँ पर यूज़ करेंगे 1/2 कप दही। इसे भी हम सूजी के संग अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं, और फिर इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा पानी, और सभी को हम बिल्कुल अच्छी तरीके से एक बार मिक्स कर लेंगे। और इस तरीके से मैंने मीडियम थिक बैटर बना लिया है, और इसे अब हम 1/2 घंटे के लिए
छोड़ देते हैं जिससे कि सूजी फूलकर बिल्कुल तैयार हो जाएगी। आधा घंटा हो गया है, अब चलिए हम सूजी को खोलकर देखते हैं। ये देखिए सूजी पूरी तरीके से फूल गई है और जो इसमें एक्सेस पानी था उस सूजी ने अब्सॉर्ब कर लिया है। आप देख रहे हैं ये बिल्कुल ड्राई हो गई है। तो इसे हम फिर से पानी डालकर मीडियम थिक पेस्ट बनाएंगे, लेकिन पानी डालने से पहले इसमें हम सभी वेजीज भी डाल देते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1/4 कप बारीक कटे हुए फ्रेंच बीन्स लिया है, इसे भी डाल देते हैं। और मैंने यहाँ पे 1/4 कप बारीक कटे हुए गाजर भी लिया है, इसे भी हम डाल देते हैं। 1/4 कप मैंने बारीक कटे हुए कैप्सिकम भी लिए हैं, इसे भी डाल देते हैं। और 2 टेबलस्पून मैंने बारीक कटे हुए लाल कैप्सिकम लिए हैं, इसे भी हम डाल देते हैं। और 1/4 कप मैंने लिया है बारीक कटे हुए प्याज, ये भी हम सूजी के मिक्सर के संग डाल देते हैं। और फिर इसमें हम डालते हैं 1 चम्मच रेड चिली फ्लेक्स। और अब इसमें हम डालते हैं नमक, तो हम यहाँ पे 3/4 टीस्पून नमक डालेंगे। और सभी को हम एक बार अच्छी तरीके से मिक्सचर के संग मिक्स कर लेते हैं। और सभी को हम एक बार बिल्कुल अच्छी तरीके से फिर से मिक्स कर लेते हैं। तो इस तरीके से मैंने बिल्कुल मीडियम थिक पेस्ट बना लिया है, आप देख रहे हैं। सूजी वेज बंस बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है बर्गर बंस। उससे पहले हम बंस को कट कर लेते हैं। तो बंस को आप इस तरीके से 2 पार्ट में कट कर लीजिए और दोनों के ऊपर हम अब सूजी का मिक्सचर फैलाएंगे। सूजी वेज बंस को सेकने के लिए मैंने लिया है पैन और इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा बटर। हम थोड़ा सा बटर पैन में डालेंगे और इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से मेल्ट होने देते हैं। तो मैंने जिस तरफ सूजी का मिक्सचर लगाया है उस पार्ट को हम नीचे की तरफ रखेंगे इस तरीके से, और इस तरफ से हम मीडियम फ्लेम पर रखकर तब तक सेकेंगे जब तक कि ये बिल्कुल ब्राउन और क्रिस्प ना हो जाए। हमने बंस को मीडियम फ्लेम पर रखकर 3 से 4 मिनट तक नीचे की तरफ से सेक लिया है। अब चलिए इसे हम पलट देते हैं। ये देखिए नीचे की तरफ से बंस बिल्कुल अच्छी तरीके से सिक गए हैं और बिल्कुल क्रिस्पी बने हैं। और हम फ्लेम को लो कर देंगे, थोड़ा सा हम टोमेटो सॉस स्प्रेड करेंगे। तो एक पर हम चिली सॉस लगा देते हैं और हम थोड़े से कसे हुए मोज़रेला चीज़ भी डाल देते हैं। और लास्ट हम थोड़ा सा ऑरेगेनो डाल देते हैं और इसे अब हम लिड से कवर कर देते हैं और बिल्कुल लो फ्लेम पर रखकर हम तब तक पकाएंगे जब तक ये चीज़ पूरी तरीके से मेल्ट ना हो जाए। 3 से 4 मिनट हो गया है, अब चलिए हम ढक्कन को खोलकर देखते हैं। ये देखिए चीज़ पूरी तरीके से मेल्ट हो गई है और हमारा जो बन है वो नीचे की तरफ से भी सिक गया है, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बच्चों के टिफिन बॉक्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम रोटी पिज्ज़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। रोटी पिज्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम सारे वेजीज़ को मिक्स कर लेते हैं। तो अब हम सारे वेजीज़ को एक गहरे बर्तन में डालते हैं। तो इसमें हम डालते हैं सबसे पहले थोड़ा सा चाट मसाला, जिससे ये खाने में और भी टेस्टी लगेगा। और फिर इसमें हम डालते हैं थोड़े से काले मिर्च पाउडर। और हम बनाने जा रहे हैं रोटी पिज्ज़ा, तो इसमें हम डालते हैं पिज्ज़ा सीजनिंग। आप चाहें तो इटालियन मिक्स्ड हर्ब्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर लास्ट में इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं और सभी मसालों को हम सब्जियों के संग अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। पिज्ज़ा बनाने के लिए हमने लिया है 1 रोटी, तो हमने यहाँ पे फ्रेश रोटी का इस्तेमाल किया है। और अब इसके ऊपर हम लगाते हैं चीज़ स्प्रेड। हमने यहाँ पे लगभग 1.5 टेबल स्पून चीज़ स्प्रेड का इस्तेमाल किया है और इसे मैंने रोटी के ऊपर ये देखिए इस तरीके से फैला दिया है। चीज़ स्प्रेड फैलाने के बाद अब इसके ऊपर हम लगाते हैं पिज़्ज़ा पास्ता सॉस। सेम वही क्वांटिटी में हमने यहाँ पे 1.5 टेबल स्पून पिज़्ज़ा पास्ता सॉस लिया है और इसे भी हम रोटी के ऊपर अच्छी तरीके से फैला देंगे। हमने यहाँ पे घर का बना हुआ पिज्ज़ा पास्ता सॉस का इस्तेमाल किया है, जिसकी रेसिपी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। और आप चाहें तो बाज़ार के पिज़्ज़ा पास्ता सॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पिज़्ज़ा पास्ता सॉस फैलाने के बाद अब इसके ऊपर हम थोड़े से मोज़रेला चीज़ फैला देते हैं। और मोज़रेला चीज़ फैलाने के बाद हमने जो वेजीज़ का मिक्सचर तैयार किया था इसे भी हम रोटी के ऊपर अच्छी तरीके से फैला देंगे। सब्जियों को फैलाने के बाद हम ऊपर की तरफ से फिर से ग्रेटेड मोज़रेला चीज़ डालते हैं और लास्ट में इसके ऊपर हम थोड़े से ऑलिव ऑयल डाल देते हैं, जिससे कि ये खाने में और भी टेस्टी लगेंगे। तो हम यहाँ पे 2 तरीके से बेक करेंगे। पहले रोटी पिज्ज़ा को हम अवन में डालते हैं और दूसरी रोटी पिज्ज़ा को हम पैन में डालते हैं। अवन में रोटी पिज्ज़ा बनाने के लिए हम लेते हैं बेकिंग डिश और इसे हम ऑलिव ऑयल से अच्छी तरीके से ग्रीस कर लेते हैं और फिर इसमें हम रखते हैं रोटी पिज्ज़ा। अवन को मैंने प्रीहीट कर लिया है और रोटी पिज्ज़ा को हम अवन में रखकर लगभग 7 से 8 मिनट तक, जब तक ये बिल्कुल क्रिस्प ना हो जाए, तब तक हम बेक कर लेंगे।
और अब हम दूसरा रोटी पिज्जा जिसे हम पैन में सेकेंगे, तो इसके लिए हमने लिया है नॉनस्टिक पैन और इसे भी हम ऑलिव ऑयल से थोड़ा सा ग्रीस कर लेते हैं। यदि आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर इसमें हम रखते हैं रोटी पिज्ज़ा और बिल्कुल लो फ्लेम पर रखकर हम इसे ढककर लगभग 7 से 8 मिनट तक पैन में भी पकाएंगे। 8 मिनट हो गया है, अब अवन में जो रोटी पिज्ज़ा है इसे हम बाहर निकालते हैं। ये देखिए हमारा जो रोटी पिज्ज़ा है वो बिल्कुल तैयार हो गया है, ये काफ़ी क्रिस्प बना है। अब चलिए हम पैन में बने हुए पिज्ज़ा को भी देख लेते हैं। तो 7 से 8 मिनट हो गया है, अब इसे भी हम खोल कर देखते हैं। ये देखिए हमारा जो पैन में पिज्ज़ा है वो भी बिल्कुल तैयार हो गया है, तो इसे भी हम अब पैन से बाहर निकालते हैं। और अब हम लास्ट में इसे थोड़े से पिज्ज़ा सीजनिंग से गार्निश कर देते हैं। और यदि आप स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो इसके ऊपर थोड़े से चिली फ्लेक्स भी डाल दीजिए। और फिर इसे हम पिज्ज़ा कटर से 4 स्लाइसेस में कट करके सर्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा पैन और ओवन दोनों में ही रोटी पिज्ज़ा बनकर बिल्कुल तैयार है। इसे आप गर्मा गर्म सर्व कीजिए। तो ज़रूर आप इसे ट्राई कीजिए और अपने सुझाव मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर दीजिए। और गूगल प्ले स्टोर से आप मेरे मिंस रेसिपीज ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इटालियन वाइट सॉस पास्ता बनाना स्टार्ट करते हैं। पास्ता को बॉयल करने के लिए हमने गहरे बर्तन में पानी लिया है। हमने लगभग 4 ग्लास पानी बर्तन में डाला है और पानी को हम बिल्कुल अच्छी तरीके से बॉयल होने देते हैं। ये देखिए हमारा पानी बिल्कुल बॉयल हो गया है। अब इसी समय इसमें हम थोड़ा सा तेल डाल देते हैं और लगभग 1 चम्मच नमक भी डाल देंगे। और फिर इसमें हम डालेंगे 2 कप पास्ता और पास्ता को एक बार हम बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। और इस तरीके से पास्ता को पकाते हुए लगभग 10 से 11 मिनट हो गया है। ये देखिए हमारा पास्ता बिल्कुल इजीली कट हो जा रहा है, इसका मतलब ये पूरी तरीके से पक चुका है। पास्ता को छानने के लिए हमने चन्नी लिया है और इसके नीचे हमने बर्तन रखा है जिसमें हम एक्सेस पानी को कलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम व्हाइट सॉस पास्ता बनाने जा रहे हैं, तो हम व्हाइट सॉस भी बना लेते हैं। व्हाइट सॉस बनाने के लिए हम लेते हैं एक नॉनस्टिक पैन और इसमें हम डालते हैं बटर। और बटर जब हमारा मेल्ट हो जाए तब इसमें हम डालेंगे लगभग 1 टेबलस्पून मैदा। और मैदा को हम बटर के संग बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। 2 मिनट पकाने के बाद अब इसमें हम डालते हैं दूध। हम एक साथ दूध नहीं डालेंगे, हम थोड़ी थोड़ी मात्रा दूध की डालते जाएंगे और दूसरे हाथ से हम इसे कंटिन्यूस चलाते जाएंगे, हम इसे छोड़ना नहीं है। और इस तरीके से मैदे में गुठलियाँ भी नहीं पड़ती हैं। तो इसी प्रोसेस को हम रिपीट करते रहेंगे जब तक कि हमें बिल्कुल स्मूथ और क्रीमी कंसिस्टेंसी ना मिल जाए। तो ये देखिए हमारा जो व्हाइट सॉस है वो बिल्कुल तैयार हो गया है। तो अब इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा नमक और काली मिर्च पाउडर भी डाल देते हैं और इसे हम सॉस के संग बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा व्हाइट सॉस बिल्कुल तैयार हो गया है। अब चलिए सब्जियों को हमें भुनना है, तो भुनने के लिए हम पैन में डालते हैं ऑलिव ऑयल। और जैसे ही ऑलिव ऑयल हमारा थोड़ा सा गर्म हो जाएगा इसमें हम डालेंगे बारीक कटे हुए लहसुन और इसे हम कुछ सेकंड्स के लिए भून लेते हैं। लहसुन को भुनने के बाद अब इसमें हम सभी कटी हुई सब्जियां डाल देते हैं और सभी सब्जियों को हम ऑलिव ऑयल के संग अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। लगभग 3 मिनट हो गया है सब्जियों को भूनते हुए, अब इसे हम भुनना बंद करते हैं और इसमें हम डालेंगे उबले हुए पास्ता। पास्ता को सब्जियों के संग डालने के बाद इसे एक बार हम अच्छी तरीके से फिर से मिक्स कर लेते हैं। और पास्ता को मिक्स करने के बाद अब हम लास्ट में इसमें डालते हैं व्हाइट सॉस और व्हाइट सॉस को भी हम पास्ता के संग अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। और पानी डालकर हम इसे अच्छी तरीके से फिर से मिक्स कर लेते हैं। तो अब इसमें हम लगभग 3/4 चम्मच नमक डाल देते हैं। अब इसमें हम डालते हैं इटालियन सीजनिंग जिसमें बेसिल, ऑरेगानो और रेड चिली फ्लेक्स ऑलरेडी मिला हुआ है। और इसमें हम फिर से डालते हैं थोड़े से काले मिर्च पाउडर और सभी को हम बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा इटालियन व्हाइट सॉस पास्ता बिल्कुल सर्व करने के लिए तैयार है। इस तरीके से हमारा इटालियन व्हाइट सॉस पास्ता बिल्कुल सर्व करने के लिए तैयार है। इसे आप गर्मा गर्म सर्व कीजिए।